हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस वेलकम एग्जाम दिस सूरज गोपी कैसे हैं आप लोग सब वेरी वेरी गुड इवनिंग क्विकली ज्वाइन द सेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज डू लेट मी नो माय ऑडियो एंड वीडियो इज ऑल परफेक्ट एक बार बताएंगे सभी लोग ऑडियो एंड वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइज लेट मी चेक फ्रॉम माई एंड ऑल्सो वेरी गुड इवनिंग

Uh, from the theory of machine subject. Good evening Ramesh mon Good evening. How are you? All good. <coughs> good evening Neeraj. कैसी चल रही hai तैयारी चलिए last पांच दिन रह गए हैं Right. तो अगर आप गेट की बात करें गेट एग्जाम की बात करें तो फाइव डेज लेफ्ट आउट मंडे आज ऑलमोस्ट फिनिश है Tuesday Wednesday थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आपका पेपर है तो जस्ट रिलैक्स अब आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है

एट दिस मूमेंट पेशशन दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन ई एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ थी ऑफ मशीन कैसा लग रहा है आप लोगों को ये प्लीज डू लेट पी नो इन द कमेंट सेक्शन नीरज रमेश मोहन हाउ यूर फीलिंग गेट एग्जामिनेशन पास है क्या करना चाहिए क्या क्या इन दमेंट से रिस्पॉन्सेज से देखते हैं उसके बाद लेवल होता है सिलेबस इज वेरी वॉस्ट बट दी वेरी बेसिक ठीक है ना तो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके भी लेके आया हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए तो uh, आई होप गुड इवनिंग शिवानी गुड इवनिंग ओके सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल और जैसे कि आपको पहले भी बताया आप बताते आया हूं कि हमारे जो जो भी YouTube में सेशन होते हैं जो मेरे सेशन होते हैं मैं यूजली उसके पी डी जो हैं लिंक्स के साथ साथ मैं सेशन के बाद प्रोवाइड कर देता हूँ राइट सो तो जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है और ताकि लेटर ऑन जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा <coughs> कुछ याद नहीं आ रहा है सर परफेक्ट देखो बिल्कुल बिल्कुल ये कॉमन एक स्टूडेंट्स uh, का जो होता है जो एक्चुअली में जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको लास्ट स्टेज में होता है कि आपको बेसिक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होता है ना ये एक फैक्ट है ठीक है ये फैक्ट है क्योंकि देखो आप बहुत बड़ा सिलेबस मैकेनिकल इज ह्यूज सिलेबस थर्मल प्रोडक्शन डिजाइन इंडस्ट्रियल राइट थर्मल डिफरेंट पिलर्स तो सब फॉर्मुला बहुत बार ऐसा लगता है सर पूरा मिक्सअ अप हो चुका है वॉट वी हैव टू डू देखो देखो इस इस केस में आपको, देखो, पांच इस पांच में आपको दिन दिन बचे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा रिवाइज करते रहिए मोमेंटम बिल्ड कीजिए राइट ठीक है क्योंकि हो सकता है आपको याद नहीं आ रहा बट जैसे आप उस फॉर्मुले को देखेंगे आपको पूरा का पूरा ए टू जेड उस फॉर्मुले का बैकग्राउंड क्या क्या एग्जम्शन थे आपको याद आ जाएगा तो इस मोमेंट पे आपको सब्जेक्ट का रिविजन करना बहुत जरूरी है ठीक है एक फ्लो बनाइए मोमेंटम बनाइए राइट अगर आपका मान लीजिए मॉर्निंग शेड्यूल में है तो उस दौरान आप थोड़ा सा एक्टिव स्टेज में रहिए आफ्टरनून सेशन में है तो कोशिश कीजिए कि आफ्टरनून में ना सोए क्योंकि एक हैबिट बन जाता है uh, दोपहर में सो आफ्टर लंच जिन लोगों का भी सेशन है सो मेक श्योर यू आर एक्टिव फॉर द नेक्स्ट फाइव डेज ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड राइट यस yes, शिवानी नीरज रमेश मोहन हाउ यू आर फीलिंग ऑल गॉड चलिए तो हम लोग आ, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन थर्मल आ, आपका थ्योरी ऑफ आप मशीन राइट और बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपकी ईएससी के के लिए के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल हेल्प करेगा और ऑल आल्सो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि आपका एक काइंड ऑफ रिविजन हो जाएगा राइट तो एक नए अंदाज में गेट हिंदी बाइजूज एग्जाम प्रेप का चैनल है जहां पे पूरा गेट और ई का वन स्टॉप सोल्यूशन है चलिए तो एज यू नो गेट एग्जाम ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल का ई का एंड सी का हो चुका है राइट right? तो uh, और आपने देखा पैटर्न चाहे uh, आपका इंट्रोड्यूस uh, बात, बात हो चुका है इनके सेशन में तो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट मैकेनिकल में यार एमएस्यू तो बिल्कुल आएगा आपको तो कन्फर्म हो चुका है राइट दैट इज क्वाइट कन्फर्म कि मैकेनिकल में एमएस क्यू आएगा ही आएगा राइट right? क्योंकि अगर आप इन तीन ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं सी एस इलेक्ट्रिकल और ईसी जिनका पेपर ऑलरेडी हो चुका है राइट एग्जैक्टली विल बी देयर एंड शुड बी देयर बिकॉज लास्ट ईयर दे हैव बीस तो इस साल आना चाहिए राइट एंड आई होप सो यूर इफ यू सी द लेवल ऑफ एमएस आई हैव स्पोकन टू माय एव स्पो एमएस्यू का जो क्वेश्चन का लेवल है उतना डिफिकल्ट नहीं है इट इज मॉडरेट टू इजी और मैक्सिमम मॉडरेट ठीक है तो डोंट फियर अबाउट एम एसक्यू क्वेश्चन बट ये होता है यू यू हैव हैव टू टू मार्क मार्क ऑल द करेक्ट ऑप्शन राइट क्योंकि एक भी गलत होगा देन यू आर इट्स अड गुड थिंग बिकॉज दे आर आस्किंग एमएसक्यू फर्स्ट फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूसिंग इन टू द क्वेश्चन पेपर राइट right, तो ऑब्वियसली आप वो क्वेश्चन का जो लेवल होगा इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मॉडरेट लेवल तक यू कैन एक्सपेक्ट चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन फ्रॉम द थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट फॉर ईएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी इंस्टेंटेनियस सेंटर्स आर देयर इन द मैकेनिज्म विद एट बाइनरी लिंक्स विद वन ग्राउंडेड लिंक ऑप्शन ए फिफ्टीन ऑप्शन बी ट्वेंटी वन ऑप्शन सी ट्वेंटी एट एंड ऑप्शन डी थर्टी सिक्स लेट सी ओके शिवानी हैज गिवन द आंसर 28 परफेक्ट सही है क्या नहीं देखे, देखेंगे देखेंगे यस क्विकली क्विकली टेल मी व्हाट इज द आंसर इसमें कॉमन मिस्टेक करते हैं बहुत लोग वो भी हम लोग देखेंगे अगर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं लेट अस सपोज मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं देन डेफिनेटली इट्स एन एमसीक्यू प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर में आपको पता इजीली पता चल जाएगा उसके आप टेंशन मत लीजिए यस अंकित और शिवानी इज गिवन 28 नीरज इज गिवन ऑप्शन सी पहले मुझे ये बताइए फार्मूला क्या होता है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आईसी नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का फार्मूला क्या होता है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर n n 1 2 आई थिंक सभी को फार्मूला याद है n n 1 2 राइट परफेक्ट परफेक्ट तो मेरे को आप ये बताइए वट इज एन एन इज नंबर ऑफ लिंक्स नंबर ऑफ लिंक्स तो बताइए हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ लिंक्स कितना है देखो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन वेरी बेसिक सबको फॉर्मुला याद भी है और कुछ लोग गलत भी कर सकते हैं ओके okay. then perfect then ramesh and, and i think that's a perfect thing uh, two exam two different days that's perfect because some students uh, uh, had a problem that they are having two exams on the same day Chaliye, perfect correct ramesh Mon is absolutely correct tell me how many number of links are there is 9 number of links question ko dhyan se question go the answer question the mechanism have 8 binary links with 1 grounded link ओके आठ तो बाइनरी लिंक है उसके अलावा हमारे पास एक ग्राउंडेड लिंक भी है राइट राइट सो having n is equal to nine, तो उसके बाद नाइन इन टू एट बाई टू दैट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स दैट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ठीक है इज दिस क्लियर डन ऑप्शन डी क्लियर हुआ जो मिस्टेक हम लोग कर रहे थे

Obviously, because in this case, if you see, uh, we are having only one point of intersection. Like, if bol sakte hai, we cannot say it's a binary link, we can say it's a binary joint. We can definitely say it's a binary joint. Right? We can definitely say it's a binary joint. Right? But, binary link, ke liye we should be having this is we call it as a binary link. If I say ternary link, it should be having three endpoints. A single link which is having three endpoints okay this is also a binary link this is also a binary link understood clear now coming back to this problem a footstep bearing means hamalog uh, bearings if you see there is a shaft right and if i'm applying a force f right uh, then we can say this is an example of a footstep bearing right okay so in this case we are using an एक्सटर्नलेंट और एनवाइन इनऑर्डर टू कन्वर्ट अवर इनकमेंट इंटूटेंट मोशन के एग्जाम्पल को बोलते हैं नहीं है, पर हम लोग देख लेते हैं राइटस तो uh, कर लेंगे इफ पॉसिबल डेफिनेटली वी कैन है ओवरव्यू देने के लिए हम कोशिश करेंगे राइट लेट मी है वर्ड विद माई टीम ओके ए बी सी और डी यस ियस बात यार साइकोलॉइडल गियर विलपो साइकोलॉइड एंड एपी साइकोलॉइड राइट अगर आपको ये पता होगा ये देखिए ऐसा करके होता है दिस इज योर साइकोलॉइडल गियर राइट दिस इज द साइकोलॉडल गियर दिस इज द पिच सर्कल लेट अस सपोज राइट सो दिस प्रोफाइल दिस प्रोफाइल दैट वी आर गेटिंग इज बिकॉज ऑफ एपी साइकोलॉइडल एपी साइकोलॉइडल एंड दिस इज योर हाइपोसाइक्लॉइडल

रीड स्टेटमेंट आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट अब और बिलो द मीन स्पीड दिस इज नथिंग बट द कंडीशन एज हंटिंग वेरी गुड वेरी गुड कंडीशन फॉर हंटिंग ठीक है दिस इज द कंडीशन फॉर हंटिंग कंडीशन वेन द स्लीव बेसिकली मूव कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन अब द मीन पोजिशन इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हंटिंग अच्छा कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की हंटिंग कैसे हाउ यू आर गेटिंग द हंटिंग कंडीशन हंटिंग कंडीशन के लिए व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर अ गवर्नर हमें हंटिंग कब मिलता है यस एनीवन हु कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ वी कैन गेट अ हंटिंग क्राइटेरिया और हंटिंग कब होता है इज देर एनी पैरामीटर एग्जैक्टली वेरी गुड शिवानी वेन द गवर्नर इज टू सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव वेन द गवर्नर इज गवर्नर इज टू सेंसिटिव राइट देन ओनली वी आर गेटिंग दिस कंडीशन बट इफ आई एम द गवर्नर इज केस हमें क्या मिलता है तब हमें आइसोक्रोनस गवर्नर का कंडीशन मिलेगा okay chaliye perfect next question question number 5th on your screen which of the following is a correct statement regarding a flywheel <coughs> which of the following statement is correct regarding the flywheel flywheel <coughs> influence the mean speed of the prime mover the flywheel influence the variation of load demand on the prime mover

टर्निंग मोमेंट और टॉर्क है ना टॉर्क ऑफ फ्लक्चुएशन को हम लोग क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं रिड्यूस ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ द टॉर्क व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस बाय अ प्राइम मूवर राइट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस हाउ मेनी टाइम्स इन ईएससी दे हैव आस्क्ड बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बाय द इनवर्जन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ वेटवर्ड क्रैंक एंड रॉकर मोशन मैकेनिज्म कैन फोर बार चेन ओनली सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन ओनली बोथ फोर बार एंड सिंगल स्लाइडर नीदर फोर बार नॉर सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन विच इन विच वेरी गुड वेरी गुड सिंपल है यार देखो हमें पता है जब हम लोग सिंगल स्लाइडर में वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल स्लाइडर सिंगल स्लाइडर में वी आर गेटिंग द क्रैंक

टाइप ऑफ गियर हेरिंग बोन गियर वॉर्म गियर हेलीकल गियर एंड गियर इंटरचेंजेबल एक्सट्रीम स्पीड रिडक्शन ओके मैथ ऑफ फॉलोइंग में आपको हिंट दे देता हूं बहुत बार ऐसे देखा गया है दो ऑप्शन को देखते हुए वेन यू सी टू ऑप्शन आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं द करेक्ट आंसर वेरी गुड वेरी गुड हर्षा हर्षा वेरी गुड परफेक्ट परविंदर परफेक्ट करेक्ट आंसर अब देखो हेरिंग बोन गियर क्या होता है द बेस्ट स्पेशलिटी ऑफ दोन गियर इज देर इज नो एक्सियल कैन डायरेक्टली सी ए इज बेसिकली थ्री कैन एलिमिनेट बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन है ना क्योंकि हमें हेरिंग बोन पता है वाई वीर यूजिंग देरिंग बोन गियर क्योंकि हेलीगल गियर में देर वॉज वन प्रॉब्लम बिकॉज देर वॉज एन एक्सियल थ्रस एक्सिस्टिंग तो उसी को एरिंग देखिए कुछ ऐसा करके राइट right? तो इसमें क्या है वी आर है थ्रस इसी को रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग द डबल हेलीकल गेयर और हेरिंग बोन गियर राइट परफेक्ट एक्टली exactly. नेक्स्ट करते हैं हम लोग हाई कैपेसिटी फॉर हाई स्पीड रिडक्शन आपको याद होगा वॉर्म गर की सबसे यूनिकनेस बात इज बेसिकली टू है हाई स्पीड रिडक्शन मोशन सो वी कैन हैव बी फोर सो थ्री फोर ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट और ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर आई एम नॉट येट रेड द ऑप्शन सी एंड डी मतलब सी और डी को मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है बट करेक्ट आंसर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है देर इज नो सडन इम्पैक्ट इम्पैक्ट जस्टिस आर नॉट बी क्रिएटेड ठीक है इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट नहीं होता हेलीकल गेयर में वी अ स्मूथ वे टू गियर आर मेशिंगल गर इज बेसिकलीपोईड गियर इट्स इज हैविंग नॉन इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टी इफ यू सी हाइपोइड गियर द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर स्पाइरल Spiral, bevel, gear. If you see this, इसमें आप इंटरचेंज नहीं कर सकते राइट right? तो द करेक्ट आंसर सी दी फोर टू वन आई होप सो ना यू गॉड और मैथ्स दन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट्स का अगर आप उठाइंग uh, क्वेश्चन आता है तो आप इजिली उसको यू कैन इजिली रिस्पॉन्ड चले क्वेश्चन नंबर एट लेट्स कर <coughs> the crank effort diagram of an engine running at machine is shown is, is showing the areas above and below the mean line in joules what is the maximum fluctuation of energy in the above diagram Chali, let's see who will be giving me the correct answer which of the following or what is the maximum fluctuation that is delta e what is the uh, perfect very good uh,

Plus 35 and the last one is EE, e, that will be E0 naught plus 35 minus 35, that will be simply e naught So E max will be this one. This will be E max. Yaapka maximum energy ho gaya. and minimum energy up a point ko sakte, e point ko sakte. This is your minimum energy. So delta E will be nothing but 50 joule. Option C is the correct answer. Perfect. Option C is the correct answer.

Starting and ending, it is having same energy. Starting or ending, or I can say initial and the final energy are same. So this is basically one complete cycle. One complete cycle. <coughs> Perfect. <coughs> Clear. Done. Chali, aage badeyenge. Next question ki uh, what type of progression uh, will be followed by the amplitudes of free oscillation with damping ratio less than 1? Very basic question. They are saying if damping ratio is less than 1, what will be your answer? Harmonic progression, arithmetic progression, logarithmic uh, progression, or exponential progression? A, B, C, or D.

क्वेश्चन में क्या पूछा है आर दे द पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड और ठीक है? है, है ये क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो ना? विद द टाइम टाइम योर एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीजिंग इन एन एक्सपोनेंशियल वे लाइक दिस ठीक है राइट राइट सो माई क्वेश्चन इज जो मेरा प्रोग्रेशन होगा जो मेरा एम्पलीट्यूड का वैल्यू होगा वो हार्मोनिक वे से चेंज होगा अर्थमैटिक वे से चेंज होगा लॉगरिथमिकल चेंज होगा या एक्सपोनेंशियल चेंज होगा ठीक है सो वी कैन सी डायरेक्टली दैट अवर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड दिस इज योर एम्पलीट्यूड राइट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड इज बेसिकली डिक्रीजिंग ओके द पीक वैल्यू इज डिक्रीजिंग विद एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वे बट टेल मी वन थिंग भाई यहां पे वाइब्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है योर वाई वैल्यू योर वाई वैल्यू इज बेसिकली डिक्रीजिंग इन और कोसाइन फंक्शन दैट मीन इट इज एन हार्मोनिक फंक्शन प्रेजेंट हार्मोनिक फंक्शन इज प्रेजेंट देखो हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है साइन वैल्यू और असाइन वैल्यू हम लोग क्या कैसे हाउ यू आर आइडेंटिफाइड्रेशन विल बी प्रेजेंट और नॉट हमें कैसे पता चलेगा वाइब्रेशन प्रेजेंट होगा कि नहीं वी ट्राई टू कैलकुलेट वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन कैन डायरेक्टली से दैट द द सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज हैविंग और द सिस्टम इज हैविंग वाइब्रेशन और वाइब्रेशन अगर होगा दिस इज नथिंग बट योर हार्मोनिक फंक्शन दिस इज नथिंग बट योर हार्मोनिक फंक्शन राइट तो आपका आंसर क्या होगा शुड बी योर आंसर इट शुड बी हार्मोनिक वैल्यू शुड बी हार्मोनिक देखो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग तो आपका सिर्फ पीक वैल्यू है सिर्फ ये वाला वैल्यू है राइट बट इफ आई टॉक अबाउट द कंप्लीट सिनारियो ऑफ द एम्प्लीट्यूड और डिफ्लेक्शन इट इज डिक्रीजिंग इन साइनोसिडल फॉर्म और कोसाइन फॉर्म दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग इन अ हार्मोनिक फंक्शन राइट तो योर आंसर शुड बी दे आर सी वॉट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन कैसे आपका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है

देखो ट्राई टू रीड द क्वेश्चन केयरफुल यही सेम चीज गेट एग्जाम में भी बहुत लोग करते हैं एग्जाम में भी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए बिकॉज ऑल ऑफ यू नो द कंसेप्ट डन योर हार्ड वर्क फॉर द प्रीवियस वन ईयर नाउ इट्स टाइम टू शो केज योर कंसेप्ट क्लैरिटी राइट चलिए परफेक्ट है यस डन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेट्स सी हु विल बी गिविंग मी द करेक्ट आंसर OABC. Uh, are you able to see this? This is O. This is A. This is B and C. This is the fixed link. Right. Let me. Yeah. So the length OA is equal to two centimeter. AB is equal to two point two centimeter. BC two point five. Uh, fixed link OC is equal to three point five. OA rotates at ten radian per second. Let us suppose I am classifying this as link number one. Again, This is link number two. This is link number three and this is link number four, right? Okay, you have to tell if OA rotates at ten radian per second and extended OA meets at point P, right? And PO and PC is equal to uh, six point five. What will be the radial acceleration of B with respect to C? That means I have to calculate ar at point B. That's it.

यू नो द फॉर्मुला दैट इज आर ओमेगा स्क्वेर ठीक है रेडियल परविंदर टैनजियल नहीं है रेडियल है रेडियल एक्सलोरेशन टैजियल एक्सलेशन इज आर इंटू एल्फा आर इंटू एल्फा राइट दिस इज रेडियल चलिए परफेक्ट है ना

OA कितना है ओ ए वैल्यू इज टू ओमेगा टू इज टेन सो दिस इज ट्वेंटी सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है यू गॉट द वैल्यू ऑफ वी एज ट्वेंटी सेंटीमीटर पर सेकेंड राइट यहां तक क्लियर है ठीक है अब मेरे को एक बात बताइए <laughs> हाँ सी फिक्स राइट सी फिक्स ठीक है uh, थैंक तो ना बहुत सारी वैल्यूज देखिए कंफ्यूज देखो इसमें बहुत सारे वैल्यूज तो आपको यूज भी नहीं करना देर आर मेनी वैल्यूज विच यू डो नॉट वॉन्ट यू वॉन्ट बी यूजिंग ठीक है आप एक बात बताइए कैन आई राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस ओमेगा थ्री इज इक्वल टू वी ए डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू वी बी डिवाइडेड बाय पी बी यस और नो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कैन आई राइट ओमेगा थ्री दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक थ्री दैट इज ए बी इज इक्वल टू वी ए बाई पी ए डिड बाई इज इक्वल टू वी बी बाई बन थ्री दिस इज आई वन थ्री दिस इज आई थ्री फोर दिस इज आई वन फोर दिस इज आई टू थ्री एंड दिस इज आई वन टू यस है ना तो अगर मुझे वी ए पता है

आपको पी भी गिवन नहीं है <coughs> आपको P भी गिवन नहीं है, बट विल बी फोर आपको पी ए गिवन नहीं है बट आपको ओ गिवन है एंड ओ इज गिवन सो सिक्स माइनस टू इज फोर सो विल बी गेटिंग दिस इज ट्वेंटी सेंटीमीटर पर सेकेंड राइट So now you can calculate the radial acceleration at point B that is VB square divided by BC. VB is 20 whole square. BC, what is the length of BC? BC is 2.5. 2.5, what is the value? 160 centimeter per second square. Okay, so the correct answer is option C. Option C is a correct answer. you can use SAB if you want to calculate. Uh, तो कैसे सोल्व करते है? देखो एक लिंक को फिक्स होना जरूरी है क्वेश्चन में क्या बोला है मैकेनिज्म बोला है लिंक शुड बी फिक्सड आपको एक लिंक तो फिक्स बिल्कुल होना जरूरी है इट्स मैंडेटरी

having the final after the interview and that takes place for the time lagta hai uske liye तो definitely you can go for that theek hai okay? चलिए so option C is the correct answer let's go for the next question I hope so ye clear hua question मैंने बोला था question थोड़े easy भी होंगे थोड़े घुमा फराकी में होगा देखो इसमें कुछ values are given which is not required है ना some values अगर tangential होता तो क्या करते देखो tangential होता तब आपको

कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या होता है रोटेशन ऑप्शन राइट चलिए नेक्स्ट वॉट कॉज अ वेरिएशन इन दैक्टिव फोर्स ऑफ एन इंजिन देखो अब याद करो बैलेंसिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है

टू सिलेंडर लोकोमोटिव याद करो याद आया राइट अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक वॉट इज अ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स दैट इज वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा राइट सो वी आर हेपिंग वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा दूसरा कौन सा होता है वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा अगर आपको याद होगा राइट सो द नेट फोर्स इज द एडिशन ऑफ दैट और ये बेसिकली क्या होता है दिस इज़ अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ठीक है एंड इट इज ड्यू टू द अनबैलेंस पोर्शन ऑफ द प्राइमरी दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट अनबैलेंस द रिजल्टेंट प्राइमरी प्राइमरी अनबैलेंसड फोर्स है ना

स्टेबल अनस्टेबल वाला याद करने का तरीका देखो सिंपल सा तरीका यह है अगर मेरा कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम का स्लोप ठीक है ज्यादा होता है आरपीएम लाइन से तो यह होगा स्टेबल सिंपल राइट अगर मेरा कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम का स्लोप होता है कम आरपीएम लाइन से तो यह होगा अनस्टेबल राइट right? और अगर मेरा कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम का स्लोप स्लोपी इक्वल टू होता है आरपीएम लाइन के तो आपको पता है दिस इज अ कंडीशन फॉर आईसो जो कि आपको किस में मिलता है दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन द स्प्रिंग कंट्रोल जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कंट्रोल्ड में ही देखने को मिलता है राइट right? इसका हमने डिटेल डिस्कशन भी किया था एग्जैक्टली exactly. जो ऑप्शन बी होगा दिस इज फॉर द हैमर ब्लो this is for अमर blow right ठीक <laughs> <laughs> है देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हो देखो सबका अपना अपना तरीका होता है जस्ट जस्ट लाइक ही सेड अबाउट द टेक्निक यू कैन गो फॉर दैट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द शाफ्ट सिस्टम गिवन अबव एस मतलब बिलो एस statically balanced dynamically balanced uh, both statically and dynamically balanced neither statically nor dynamically balanced so my so, past masses these are the two masses this is mass m this is the second mass m right having e, e distance this is uh, the distance between the two masses ra right so tell me is this system statically balanced dynamically balanced both statically and dynamically balanced neither statically nor dynamically balanced tell quickly

नेट मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ कपल यहां पर कपल फॉर्मेशन हो रहा है इफ यू सी द एक्सप्रेशन वी आर हैविंग अ कपल राइट विल क्रिएट अ कपल सो डेफिनेटली अगर कपल क्रिएट हो रहा है तो डाय के लिए बैलेंस नहीं है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इस क्लियर

D is the correct answer, right? Correct, Sushil. Very good. Okay, question 15. Okay, Chale, interesting question. Uh, logarithmic decrement of a damped single degree of freedom system if is if the stiffness of the spring is doubled and the mass is uh, half, then logarithmic decrement of the new system will be equal to. <coughs> डेफिनेटली uh, कोई प्रॉब्लम नहीं है करेक्ट आर यूर चाय फैन यस डेफिनेटली यार अच्छा लगता है डेली <coughs> सेशंस होते हैं सेवन uh, फिफ्टीन पे एवरी डे से होते हैं यूट्यूब पे राइट डोंट वरी सी डी ए और बी देखो सिंपल क्वेश्चन है व्हाट इज लॉगर इथ मे चाय भी पसंद है कॉफी भी पसंद है ऐसा नहीं है तो so, <coughs> बट यस yes, गले के लिए अदरक वाली चाय विल बी बेटर ओके किंग क्रूसेडर्स डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट इसके लिए तो मैं थोड़ा सा और काम करते हैं डेफिनेटली विल बी हैव मोर नंबर ऑफ सेशंस इसके लिए हमने बात भी किया है राइट सो लेट्स होप नेक्स्ट फ्यू डेज में आज रात को ही आपका दस बजे सेशन है दो सेशंस है मैकेनिकल टेन थर्टी एंड टेन ओ क्लॉक आई थिंक चलिए सो लॉग इन में डिक्रीमेंट डेल्टा इज इक्वल टू टू पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस जीटा स्क्वायर राइट अब मतलब ये पूरा का पूरा जो लॉगरिथमिक में डिक्रीमेंट है इट इज डिपेंडिंग ऑन वन पैरामीटर दैट इज द डैम्पिंग रेशियो राइट सो जीटा इज इक्वल टू सी बाय टू एम ओमेगा एन और टू रूट के इन टू एम राइट अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों ने स्टिफनेस को कर एंड मास्क को कर दिया है हाफ मास्क कर दिया है हाफ राइट ओके सो इफ यू सी योर न्यू डॉम्पिंग टू द ओल्ड डैपिंग रेशियो मतलब में देर इज नो चेंज अगर डैम्पिंग फैक्टर ही चेंज नहीं हुआ तो हमारा डेल्टा भी सेम होगा डेल्टावल टू डेल्टा डैश तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है अब जिनको ये फॉर्मुला याद नहीं है ये ये याद नहीं है तो उनके लिए दिक्कत होगा इजी एग्जैक्टली ठीक है exactly. अच्छा अगर ये थोड़ा सा और चेंज होता देन डेफिनेटली अगर मान लीजिए हो जाता तो इन दैट केस हमारे डेल्टा का वैल्यू चेंज हो जाता ठीक है चलिए चलिए लेट्स लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर इन अ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर द कंट्रोलिंग फोर्स इज अ स्ट्रेट लाइन परफेक्ट है द दॉल

words are same so i think it will be very easy for you to understand so fc is equal to 5r minus 400 right so this is the expression jo hame mil raha hai theek hai theek hai so ab dekhiye simple question hai अब simple ये question है अब मेरे को क्या करना है मेरे को इसको आइसोक्रोनस में कन्वर्ट करना है व्हाट द फॉर्मुलेशन फॉर आइसोक्रोनस governor? isochronous governor fc is equal to a into r right that means i have to convert this equation into this format how we can convert by adding 400 to both the side that is fc plus 400 is equal to ar now this will give you the condition for isochronous governor option c is correct that means if you increase the initial value of the force

में कन्वर्ट किया है राइट डन कैन वी प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन परफेक्ट यार परफेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अब गियर uh, ट्रेन के अलावा uh, हमारा सेशन इनकम्प्लीट होता है लेट्स गो फॉर हाउ मच डिक्रीज हाउ मच डिक्रीज अब इस केस में हम तो डिक्रीज करेंगे नहीं ना इसमें डिक्रीज करेंगे या इसमें हम इंक्रीज करेंगे हाँ वो देखो क्वेश्चन है वैल्यूज अगर आप चेंज करेंगे मान लीजिए यहाँ पर प्लस 400 आ जाता लेट अस सपोज इट इज हैविंग एफसी इज इक्वल टू आर प्लस 100 तो so, इस केस में मेरे को इनिशियल फोर्स को 100 में माइनस करना होगा दैट मींस एफसी 100 4r दैट मींस आई हैव टू डिक्रीज द इनिशियल टेंशन बाय 100 न्यूटन ठीक है

Uh, the rpm of the input gear is 1000 rpm in the clockwise direction this is 1000 uh, achha, rpm up quality there okay uh, while the output gear is 50 rpm uh, anti-clockwise uh, what is the magnitude of the holding torque for the gear train okay king crusaders is having 1900 let's hope that will say right so we can have option e also as 1900

So I can say t1 omega 1 plus t2 omega 2 plus t3 omega 3 is equal to 0. This is basically 0. So I can say t2 is equal to minus t1 omega 1 by omega 2, right? So what is input torque? Input torque is 100 uh, minus 100 into this is clockwise, 1000 clockwise divided by omega 2 is anti-clockwise. This is anti-clockwise given. So minus 50.

राइट हमने निकाली दिस इज माइनस ट्वेंटी टू 2100 होल्ड ग्रीन होल्डिंग टॉर्क राइट इसको हम लोग फिक्सिंग टॉर्क भी बोलते हैं, right? हैं. यही तो है अरे देखो एक्चुअली क्या होता है दो फॉर्मूला होता है T1 या T इनपुट अगर आपको ऐसे में दिक्कत uh, है T इनपुट प्लस T आउटपुट प्लस T फिक्सिंग आउटपुट ओमेगा बेसिकली क्या है वो फॉर्मुला सेम ही है वैल्यू ऑफ दिस T2 टू ओवर विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू राइट सो डोंट वरी

देखो वी नो दैट सिंपल पहले आप ये बताइए क्रिटिकल टाइमिंग में डू वी हैव एनी वाइब्रेशन यस और नो टेल मी वन थिंग इन क्रिटिकल टाइमिंग डू वी हैव एनी वाइब्रेशन देर इज नो वाइब्रेशन राइट देर इज नो वाइब्रेशन वी नो दैट ठीक है देर इज नो वाइब्रेशन सो यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी एंड डी यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट ऑप्शन सी एंड डी राइट है ना अब देखो आपको याद होगा जब आप डैम्पिंग रेशियो को डिफाइन करते हैं व्हाट इज व्हाट इज डैम्पिंग रेशियो इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग वी नो दैट डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू सी बाई सी सी एक्चुअल राइट अच्छा सीसी की वैल्यू कितनी है दैट इज इक्वल टू टू रूट के इन टू एम ठीक है टू रूट के इन टू एम ठीक है तो अगर मेरा वैल्यू मान लीजिए इफ सी वैल्यू इज ग्रेटर देन टू रूट के बाय एम

सिंपल तरीका है क्योंकि देखो हमें पता है यह uh, no no पता है डॉम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू सी बाई सी सी राइट तो अगर सी वैल्यू ग्रेटर होता है दैट इज योर जीटा इज ग्रेटर ओवर डैम ट इज योर ओवर टाइम अगर मैं सी इज इक्वल टू सी सी होता है दैट इज योर जीटा इज इक्वल टून दैट इज यली टाइम क्रिटिकली टाइम राइट और अगर मेरा सी लेस देन सी सी होता है दैट इज योर जीटा लेस देन वन दट इज योर अंडर डाइम राइट क्लियर है अंडर ठीक है तो क्वेश्चन का सिर्फ वर्डिंग आप पढ़िएगा यू कैन ईजली क्विकेस्ट रिटर्न एब्सोल्युटली करेक्ट क्रिटिकल टाइमिंग मींस क्विक रिटर्न एके फोर्टी सेवन याद रखिए ओवर डैम सिस्टम इज बेसिकली द डोर क्लोजर जो आपके सीट्स uh, में होते हैं राइट इन दैट ऑल्सो वी आर हैविंग रिक्लाइनर सीट्स में वी आर हैविंग द डैम्पर्स प्रेजेंट ये तो वो सर लगने वाला वीडियो अगर आपको याद होगा दैट वी हैव डिस्कस राइट ओके सो दिस कंप्लीटेड आवर टुडे इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आई हैव ट्राइड टू कवर टेक एवरी सिंगल टॉपिक्स हर एक सेगमेंट से फ्रॉम uh, सब टॉपिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन ताकि आपका इंटायर रिविजन कंप्लीट हो जाए राइट सो प्लीज प्लीज वन वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन सजेशन हाँ अट्रैक्टिव फोर्स अभी बता देते हैं अट्रैक्टिव फोर्स देखो यार जब मेरा पार्शियल पार्शियल बैलेंसिंग होता है पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स प्राइमरी अनबैलेंस Force. मैं कंप्लीट right? तो right? अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गया देखो पता नहीं चला एक घंटा ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है। 55 हो चुके पता नहीं चलता जब फ्लो फ्लो में रहता है तो अब मेरे पास जो अनबैलेंस फोर्स है अगर आपको याद होगा Uh, ये आपका है सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, राइट? दिस इज द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स ठीक है अब अगर आपको याद होगा इसमें जो आपका नेट अनबैलेंस फोर्स होता है या फिर अगर अलोंग द लाइन दिस इज योर लाइन ऑफ स्ट्रोक दिस इज योर लाइन ऑफ स्ट्रोक तो लाइन ऑफ स्ट्रोक में देर आर टू पॉसिबिलिटीज एक अनबैलेंस फोर्स ये हो गया एक अनबैलेंस फोर्स ये हो गया अगर मैं दो सिलेंडर की बात करूं let's say this is the center line, है? तो और अगर मैं इसका मोमेंट लूंगा देन विल बी है तो मेरे पास होगा स्वयं कपल तो बेसिकली ट्रैक्टिव फोर्स और स्वैंग कपल होता है ड्यू टू द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक ठीक है और इसी को अगर मैं परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक लू लाइक दिस ठीक है अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं राइट वैसे इन दिस डायरेक्शन तो इस केस में हमारे पास आता है हैमर 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 ब्लो 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 और hammer blow बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको अगर आपने देखा होगा ट्रेन का एक स्पीड लिमिट हमेशा दिया जाता है राइट सो व्हाई वी आर गिविंग द स्पीड लिमिट क्योंकि अगर आप स्पीड लिमिट नहीं देंगे क्योंकि यू कैन हैव ओमेगा स्क्वायर द मैक्सिम वैल्यू मान लीजिए मैं कंप्लीट बैलेंसिंग भी करता हूं हाँ टू सिलेंडर केस में टू सिलेंडर लोकोमोटिव की बात कर रहा हूं ठीक है टू सिलेंडर लोकोमोटिव राइट तो टू सिलेंडर लोकोमोटिव बात करूं अगर ऐसा केस हो जाए कि मेरा जो अनबैलेंस फोर्स है कंप्लीट आपको जो स्लाइडर है यहां पर हो राइट right. सो so, इस केस में क्या होगा आपका फोर्स सारा का सारा इस तरफ होगा ठीक है और जो इसका वेट होगा डेड वेट अगर वो तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आपका जो रेल uh, ट्रैक होगा वो या रेल व्हील होगा वो आपसे लिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द रेल ट्रैक ट्रैक कॉन्टैक्ट छूट जाएगा और अगले ही इंस्टेंट जब आपका जो uh, ये पोजिशन इस तरफ आ जाएगा अपार्ट फ्रॉम द पर पेंडिकुलर तो उसके वापिस आ जाएगा तो आप ये इमेजिन कीजिए like इतने high frequency में जब वो ऊपर नीचे तो देखा होगा जब ट्रेन बहुत हाई स्पीड में जाता है उसके आपको, आपको क्या होता है साउंड ज्यादा uh, uh, सुनाई देता है बट जब ट्रेन स्लो मूव करता है उस केस में आपको ये साउंड uh, आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि आपका जो ओमेगा है दैट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर क्योंकि तो आप रेडियस मास को चेंज नहीं कर रहे अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करेंगे एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि वो उसके डेड वेट को सरपास कर देगा इन बी लिफ्टेड अप फ्रॉम द ठीक है क्लियर चलिए तो ये हमारा आज का सेशन था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन आई होप सबको मजा आया तो so, प्लीज अपना तैयारी कंटिन्यू कीजिए प्लीज डू नॉट डी रेल जस्ट लाइक हैमर ब्लो ठीक है hammer blow जैसे हो रहा है, तो अपने आप पे hammer blow मत कीजिए, को थोड़ा दूर रखिए, ठीक है, है क्योंकि अगर होगा, तो स्ट्रेन भी जरूर होगा अगर होगा, तो डी रेल होने के चांसेस हैं, तो आपको ट्रैक में रहिए, प्लीज इन ट्रैक इस मोमेंट में आ, आपको बस एक काम करना है सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए ठीक है फॉर्मुला रिवाइज करते रहिए सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए कोई टेस्ट इस मोमेंट में प्लीज मत आप Uh, मेरे पर्सन सेशन होगा इस मोमेंट में कोई मॉक टेस्ट नहीं दीजिए क्योंकि मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट हो सकता है कुछ ऐसा किसी ने क्रिएट बहुत ही हार्ड गेट का टाइम्स हार्डर सो so, और उसमें अगर स्कोर अगर स्कोर कम आए तो बात और, और कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है इस मोमेंट हमने कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है हाँ, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए जहाँ आपने कभी मॉक टेस्ट दिया होगा आपने एनालाइज किया होगा कि मैंने यहाँ यहाँ कॉमन मिस्टेक्स हुई थी उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट

फर्स्ट यूनिट बेसिक मैकेनिज्म के बारे में वन मार्क्स क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैकेनिज्म वाला जो टॉपिक है ना योर बार इनवर्जन टॉपिक का टॉपिक हो गया उस में इसमें अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल uh, में बात करूँ तो आप सेकेंड ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाले जो टॉपिक्स uh, होने चाहिए सेकंड प्रेफरेंस में आपका होना चाहिए गाइरोस्कोप एक क्वेश्चन आ सकता है